नमस्कार, बीसीए न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर ने अपने समुदाय के लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। गुरु तेग बहादुर को अक्सर हिंदी की चादर कहा जाता है, जिसका अर्थ है भारत का ढाल। उन्हें सबसे निस्वार्थ शहीद माना जाता है और उनकी शहादत को हर साल 24 नवम्बर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के नोएल किंग के शब्दों में, गुरु तेग बहादुर की शहादत दुनिया में मानव अधिकारों के लिए पहली शहादत थी। औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित करना चाहता था, इसलिए हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया गया। पंडित कृपा राम के नेतृत्व में 500 कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर से मदद लेने गया। औरंगजेब के अत्याचारों के बारे में जानने के बाद गुरु तेग बहादुर के पुत्र गोविंद राय ने कहा कि भारत के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उनके पिता से ज्यादा सक्षम कोई नहीं है। गुरु तेग बहादुर को एहसास हुआ कि उनका बेटा अब गुरु की गद्दी लेने के लिए तैयार है और इसलिए एक दूसरा विचार दिए बिना उन्होंने पंडितों से औरंगजेब को यह बताने के लिए कहा कि अगर वह गुरु जी को इस्लाम में परिवर्तित करने में सक्षम है तो हर कोई नियम का पालन करेगा। गुरु तेग बहादुर को तब क्रूर शासक के सामने गिरफ्तार कर लिया गया और इस्लाम स्वीकार करने से मना करने पर गुरुजी और उनके अनुयायियों को 5 दिनों तक शारीरिक यातनाएं दी गई। उसे प्रस्तुत करने के लिए गुरुजी के अनुयायियों को उनके सामने जिंदा जला दिया गया। अंत में गुरु तेग बहादुर ने मुगल बादशाह औरंगजेब की तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और तमाम जुल्मों का पूरी दृढ़ता से सामना किया। गुरु तेग बहादुर के धैर्य और संयम से आग बबूला हुए औरंगजेब ने चांदनी चौक पर उनका शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया और वह 24 नवंबर 1675 का दिन था जब गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी काम करने वाले अभिनेता अमोल पालेकर का आज के दिन 24 नवंबर 1944 को जन्म हुआ। हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए उनका नाम सुनते ही फिल्म गोलमाल के राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा का चेहरा सामने आ जाता है। फिल्म में राम प्रसाद अपनी नौकरी बचाने के लिए डबल रोल का सहारा लेकर लड़की के पिता को बेवकूफ बनाते हैं। इसमें उनका अभिनय देख दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। अमोल पालेकर भारत के पहले ऐसे अभिनेता हैं जिनकी डेब्यू फिल्म ने सिल्वर जुबली तो मनाई ही, उसके बाद उनकी प्रदर्शित दोनों फिल्मों ने भी जुबलियां मनाई। अमोल पालेकर ने 1974 में रजनीगंधा फिल्म से डेब्यू किया था। इसके बाद उनकी दो फिल्में 1975 में छोटी सी बात और 1976 में चितचोर प्रदर्शित हुई थी। इन तीनों फिल्मों में मुंबई में सिल्वर जुबली मनाई। अमोल पालेकर ने करियर की शुरुआत मराठी मंच से की। सफल अभिनेता और निर्देशक अमोल का जन्म 24 नवंबर 1944 को बंबई में हुआ और वही जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ थिएटर की ओर भी रुझान था। थिएटर में करियर के लिए संघर्ष करने के साथ ही अमोल एक बैंक में क्लर्क का काम भी कर रहे थे। अमोल पालेकर ने अभिनय में साल 1971 में सत्यदेव दुबे की मराठी फिल्म शांतता कोट सालुआ है से शुरुआत की। इनकी पहली हिंदी फिल्म रजनीगंधा की सफलता ने इन्हें इसी तर्ज की कई कम बजट वाली कॉमेडी फिल्में दिलाई। बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी की चितचोर, छोटी सी बात तथा गोलमाल 70 के दशक की सफल कॉमेडी फिल्में रही। अमोल पालेकर सशक्त और हल्के गुदगुदाती सभी भूमिकाओं में फिट जल्दी ही सिनेमा जगत में जाना माना नाम बन गए। भीमसेन की घरौंदा, श्याम बेनेगल की भूमिका और कुमार सहानी की तरंग अमोल के अभिनय बहुआयामी कला छवि को दर्शाती है। यूपी के एक छोटे से शहर से आई हुई एक लड़की जिन्होंने पहले गायिका में अपना नाम बनाया और कालांतर में हिंदी सिनेमा में हास्य का एक शीर्ष नाम बनी, वो कोई और नहीं उमा देवी थी, जिन्हें टुनटुन के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन 2003 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा।
अभिनेत्री टुनटुन का नाम सुनते ही जहन में उनकी फिल्मों में कॉमेडी सीन्स आने लगते हैं। वो मोटी सी औरत जो शर्माती थी और पर्दे पर खूब हंसाती थी। उस वक्त कहा जाता था कि जिस फिल्म में टुनटुन है उसमें कॉमेडी का भरपूर मजा मिलेगा। आज की पीढ़ी भली ही टुनटुन को न जानती हो लेकिन उनका नाम जरूर सुना होगा। टुनटुन सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, वो एक अच्छी गायिका भी थी। उन्होंने कई गाने भी गाए हैं जो आज भी लोग सुनते हैं। टुनटुन का पूरा नाम उमा देवी खन्ना था। टुनटुन ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने दम पर अपना नाम और पहचान बनाई। टुनटुन की उम्र काफी कम थी जब उनके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। उनका एक बड़ा भाई था लेकिन उसका भी बाद में निधन हो गया था। इसके बाद टुनटुन अपने रिश्तेदारों की जिम्मेदारी पर आ गई थी जो उनसे नौकरानी की तरह काम कराते थे और फिर दो वक्त की रोटी देते थे। टुनटुन को बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर रेडियो से गाने सुनकर उसका रियाज करती थी। टुनटुन की बचपन से ही तमन्ना थी कि मुंबई जाकर गायकी में अपना करियर बनाए लेकिन उस दौर में लड़कियों का पढ़ाई करना तक मुश्किल था तो गायिका बनना तो दूर की बात थी। लेकिन उनकी किस्मत में तो बॉलीवुड के पर्दे पर चमकना लिखा था। 90 का दशक आते आते उन्होंने फिल्मों से दूरी बना दी और फिर 24 नवंबर 2003 को टुनटुन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।